सो गाइस हम पहुंच गए रोडू और ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको भी रोडू के शानदार नज़ारे। पहुंच गए फिलहाल चिड़गांव बस स्टैंड में, ये देखो चिड़गांव का बस स्टैंड। सो गाइस तभी आए हम सुंदासू, यहाँ पे ना गाइस एक माता जी का मंदिर है, वो ना काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, तो मैं दिखाता हूँ गाइस आपको मंदिर और माता जी के दर्शन कराता हूँ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो आप सब कैसे हो, आई होप आप सब बढ़िया होगे और आपकी बार स्टूडेंट ब्लॉग में न्यू ब्लॉग के साथ स्वागत। तो गाइस आज इनकी ब्लॉग की शुरुआत करो मैं सुबह 7 बजे से, और आप देख सकते हो मैं ना सुबह ना आ गया हूँ इतनी ठंड में, और अब ना गाइस ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये देखो व्यू, तो आप देख सकते हो मैं ना सुबह आज इतनी ठंड में ना आ गया हूँ। ये देखो मजबूरी का नाम है रिशु देवनाटा। मैं जा रहा हूँ गाइस आज रोडू घूमने, तो देखते हैं साथ में क्या क्या होता आगे, तो मिलते हैं गाइस आपको आगे, तब तक हो जाता हूँ मैं बिल्कुल रेडी। तो गाइस ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, खीर, और इसमें ना गाइस अभी ना देख सकते हो आप ये दूध है ना जो ये ना काफ़ी ज़्यादा सूख गया, बट अभी ना मिट्टी हो रही है, और जब हमने कल खाया था तो उसमें इतनी मिट्टी नहीं थी। हम पहुंच गए गाइस फाइनली रोड में, ये देखो आगे जा रहे अंकल, तो मैं गाइस दो बंदे, तो आज ना गाइस फुल एंजॉय होगा, और कम से कम ना मैं ना रोडू जा रहा हूँ बहुत टाइम बाद। ये देखो यहाँ भी जाना है गाइस अभी एक बार ऊपर घूमने। तो गाइस हम पहुँच गए आराकोट, और यहाँ से जाना हमें रोडू की साइड, क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ियाँ ना गाइस लेट आती है काफ़ी तीन से, तो अभी ना थ्रोथ बताने वाली तो हम उसमें ही जाएगी। और हमें लग गई थी काफ़ी ज़्यादा भूख, तो हमने ले लिए कुछ पंजाबी तड़के अपने पेट भरने के लिए। तो हम पहुंच गए थे गाइस हाटकोटी, और हाटकोटी से मिल गया भाई अब रोडू के लिए टैक्सी। पहुंच गए रोडू, और ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको भी रोडू के शानदार नज़ारे। ये देख सकते हो आप रोडू, और ये है पार हॉस्पिटल, और ये देखो यहाँ पे पार्किंग, और ये है गाइस रोडू का न्यू बस स्टैंड। ये बस स्टैंड गाइस काफ़ी बड़ा है, हम आपको ले चलते भी सीधे बस स्टैंड की ओर। तो गाइस तो अभी खा रहे हम यहाँ पे लंच, क्योंकि हमें ना काफ़ी भूख लगी थी, हम ना सुबह बस ब्रेकफास्ट करके चले थे घर से। और यहाँ पे देखो तो हमें ना गाइस काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई है, और हम ना बस सुबह से गाड़ी में बैठ के काफ़ी ज़्यादा। तो ये आगे अपना लंच, और लंच में है चावल दाल चटनी और सब्जी। तो गाइस हमने कल खाना खाया था, ये देखो हमें ना काफ़ी तेज भूख लग रही थी, और अंकल को यहाँ पे पसीने लग गए, इतनी खतरनाक मिर्च थी ना ये, ना आधी भी नहीं खाई गई। ये देखो गाइस रोडू के शानदार नज़ारे। तो गाइस हम आ गए हैं रोडू से बडियारा, और यहाँ से जाएगा अभी चिड़गांव की साइड, और अभी कर रहे थे हम यहाँ पे अपने जीजा उनका वेट, क्योंकि वो आ रहे हैं जांगला से, और यहाँ पे ना गाइस काफ़ी तेज़ धूप है, और धूप के चक्कर से ना गर्मी नहीं इतनी तेज़ हो रही है, तो मैं फिर स्टिंग। तो गाइस आप ना ब्लॉग में बने रहे, आगे आगे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज ब्लॉग में, क्योंकि आज ना काफ़ी दिन बाद ब्लॉग लेके आया हूँ मैं आपके लिए। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैं ब्लॉग अब तभी लेके आऊँगा जब कुछ मस्त वाला कंटेंट मिलेगा, बट आज ना मुझे कंटेंट अच्छा मिला, तो मैंने आपके लिए ब्लॉग लेके आ रहा हूँ, तो मिलते हैं गाइस आपको आगे।
सो गाइस हम पहुंच गए फिलहाल चिड़गांव बस स्टैंड में। ये देखो चिड़गांव का बस स्टैंड। यहाँ पे गाइस काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, रोडू में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बडियारा में भी। तो मैं दिखाता हूँ गाइस आपको बस स्टैंड। ये बस लगी है यहाँ से रोडू के लिए और ये है यहाँ पे काफ़ी सुंदर पार्किंग। सो गाइस तभी आए हम सुंदासू। यहाँ पे ना गाइस एक माता जी का मंदिर है, वो ना काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो मैं दिखाता हूँ गाइस आपको मंदिर और माता जी के दर्शन कराता हूँ। ये देख सकते हैं आप काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाला व्यू हो रखा है। ये देखो अंकल जी और भाई जी जा रहे हैं अंदर। ये देखो यहाँ से होती है गाइस मंदिर के लिए एंट्री और टाइम हो गया गाइस शाम के 5:07। तो गाइस आज हमने ना काफ़ी ज़्यादा काफ़ी सारी जगह ऐसी घूम ली जहाँ पर मैं पहले नहीं गया था। ये देखो यहाँ पर टेम्पल माता रानी का और यहाँ पे ना गाइस एक छोटी सी नदी भी है। हेलो गाइस, ये है गाइस वो मंदिर माता रानी का। और ये करो गाइस माता रानी के दर्शन साक्षात। ये है गाइस नाग माता। तो अभी पहुंच गए हम यहाँ पे चिड़गांव पुल पे और यहाँ पे जो है माता है वो जा रही आज देवीदार। और ये देखो माता रानी के ऊपर। ये है गाइस बस स्टैंड जहाँ पे अभी बताए थे हम। गाइस दिखाते गाइस आपको यहाँ पे चिड़गांव मार्केट। अभी हो रखा है गाइस यहाँ पे शाम का व्यू। ये देखो काफ़ी ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे शाम तक। और माता रानी जा रही है चला दोस्त और फिर साल के साथ रहे चढ़ी तेरे वास्ते आ गया देख मुंडा सरी तेरे।